वाली हूँ और आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। गेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बड़े हैंडसम से हैं और आज इनकी ड्रेसिंग जो है मुझे थोड़ी रुअफजा टाइप की लग रही है और ईदी बांटते फिर रहे हैं। आज मैं उनसे शो पर ईदी लूंगी और आप लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। आपके मैसेजेस जो है वो मैं ब्रेक में पढ़ती रहूंगी। फरीद, विजय फरीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मुझे जितना पसंद था जेडॉट, अब ज्यादा और अच्छा लगने लगा। अब ज्यादा ना, क्योंकि मैंने और आपने रुअफजा वाला जो कमेंट किया ना, रुअफजा, अच्छा रुअफजा के बारे में छोटी बात करना चाहता हूँ। जितने भी अंडरपासेस हैं, हम जब ऑफिस से आ रहे होते हैं, ऑफिस के लिए आ रहे होते हैं, जितने भी अंडरपासेस, सब वो जो दीवारें खराब हुई हुई हैं जहाँ कोई नहीं जाता, जंग लग गया ना, वो सारी दीवारों पे रुफजा ने सारा पेंट कर दिया। बिल्कुल, वहाँ पर पौधे भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे भी रखे हुए, बड़े खूबसूरत हो गए। अच्छा, इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि वो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा आइडिया है कि छोटे छोटे प्लांट्स उन्होंने लगा दिए, वो दे आर ऑथेंटिक प्लांट्स। बहुत अच्छा आइडिया। और पिछले दिनों जो हीट वेव चल रही है कराची में, जितने भी लोग हैं उनको वो समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी चल रही है कराची में, तो और टैंकर्स रख दिए जगह जगह पे, पता आपको इस बात का? अच्छा, ये बातें तो हम करते रहेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इफ्तारी में आप रुअफजा पीते हैं कि नहीं पीते? बिल्कुल, कौन नहीं पीता, किस घर में, कौन सा घर है जहाँ पे रुअफजा नहीं होता? एग्जैक्टली, रुअफजा के बगैर जो है वो इफ्तारी इनकम्प्लीट है। और वैसे जो है वो सहरी में भी रुअफजा पिया जा सकता है क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है। और मैं आजकल वो बड़ा वो चिया सीड्स, अगर आपको पता हो, या बेजल सीड्स जिनको कहते हैं, जिनको हम उर्दू में तुख मलंगा कहते हैं, तो तुख मलंगा भी हम जो है उसका टेस्ट कुछ ऐसा खास होता नहीं है, तो हम उसमें रुअफजा डालकर और मजे का हो जाता है। आजकल तो मैं फुल जो है वो आंटी बनी हुई हूँ। मैं एक वो कुकिंग रेसिपी वाले जो है वो शोज कर रही हूँ, तो उसमें मैं काफी सारी चीजें सीख रही हूँ। तो आप लोगों को भी टिप्स देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर सहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी पीते हैं, तो उसमें भी आप रुअफजा फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम बचपन से जो है रुअफजा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रमजानों की तो शान है रुअफजा, तो रमजान में रुअफजा होना इसेंशियल है और इसीलिए आज जो है वो रुअफजा के थीम के कलर। अच्छा, घर पे कुकिंग करती हैं आप? मैं घर पे कुकिंग करती हूँ। कुछ लड़कियां घर पे बिल्कुल कुकिंग नहीं करती, शोज पे आके ना कुकिंग पे, यहाँ इसमें ऐसे, इसमें वैसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे करेगा। अच्छा, मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे शौक है कुकिंग करने का। बट मुझे ये बेकिंग वगैरह का और डिजर्ट्स बनाने का शौक नहीं है। मुझे देसी खाना बनाने का शौक है, जैसे कढ़ाई बनाने का शौक है, दाल फ्राई और सब्जियां। आपको पता मैं कितना अच्छा कुक हूं? आपने ये मेंशन नहीं किया ना मेरे इंट्रो में भाई। आज मैंने, मैं तो नाराज हूँ भाई, मैं बात ही नहीं कर रहा। आप मुझसे बाद में नाराज होइएगा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप ईदियां किसको बांटते फिर रहे हैं? आजकल एआरवाई न्यूज पे क्या चल रहा है? देखें, एआरवाई न्यूज पे हमारा एक सेगमेंट है, बड़े मजेदार सेगमेंट है, उसमें मैं ईदी बांटने जाता हूँ। और कराची में किसी भी इलाके में सरप्राइज होता है, किसी भी मार्केट में चला जाता हूं और 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 30,000 तक ईदी में दे चुका हूँ, लोगों में बांट चुका हूँ। और इसके लिए दो सवाल, बड़े आसान से क्वेश्चन पूछता हूँ और लोगों को ईदी देता हूँ। और काफी लोग ऐसे मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगी, मुझे ईदी मिलेगी। ओके, ईदी मिलेगी? पूछे पूछे पूछे। अच्छा, चले आपसे आसान सा सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताएं कि एक इंसान है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंग्लिस्तान में, मतलब इंग्लैंड में, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अमेरिका में जाके जॉब की और बांग्लादेश में जाके उसकी डेथ हो गई, वफात हो गई, तो वो इंसान, शख्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? ये देखे ना, ईदी मिलना आसान नहीं है, ऐसी नहीं ईदी मिल जाती भाई। 10,000 20,000 उसकी डेथ हो गई, कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो वो मरहूम कहलाएगा? आईएफ भी लगी हुई, आईएफ भी में जवाब आ रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने जवाब दे दिया तो ये मानने के लिए तैयार भी ईदी दो। अच्छा चले, हम तीन सवाल पूछते हैं, तीन में से दो सवालों के जो सही जवाब दो गई, मतलब ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और सवाल पूछ लें आपसे। अच्छा चले, आप ये बताएं कि ए बी सी के अंदर कितने कैरेक्टर, बड़ा आसान है, ए बी सी के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सुन रही है ना अभी, मैं आवाज आ रही आ रही है। कैंसिल ईदी, टाइम आउट, 4 3 2 1। आए हो तुम, किस शो की होस्ट के साथ खेल रहे हो, तुम जानते ही नहीं हो ये बात, जानते नहीं हो, एबीसी में 3 होते हैं। एबीसी में 3 होते हैं ना, और क्या। लेट बताया आपने डायरेक्टर साहब, लेट बताया आपने। नहीं नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। चलें, आपका आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपकी ईदी जो है वो मुझे अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपके अकाउंट। नहीं नहीं, अभी आप लाइव देके जाएंगे मुझे, मतलब मेरे शो के एंड तक तो मैंने आपसे ईदी लेनी है। आपके पास वो स्वाइप मशीन है? नहीं नहीं, मैं अगले आपके अगले ब्रेक में एक बंदा भिजवाऊंगी, आपके एटीएम से निकाल के लाएगा पैसे। अच्छा, सर्विसेज सारी है ना, ईदी निकलवाने की सर्विसेज सारी रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोग को बताती चलूं कि आप लोग साथ में जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। फरीद से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, फरीद आपकी तो बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग होगी। अब ज्यादा हो गई है जब से मैं न्यूज पे आने लगा हूं, अब ज्यादा हो गई है, पहले थोड़ी कम थी। तो ईदियों के चक्कर में तो नहीं हुई है? ईदियों के चक्कर में कह लें या वैसे हो गई है, लेकिन पहले थोड़ी सी कम थी, अब मैं देख रहा हूँ कि न्यूज की, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, तो हमारे यार न्यूज पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो इससे फिर व्यूअरशिप इतनी ज्यादा हो गई। डेली के तकरीबन 100+ मैसेजेस आए हुए होते हैं और ज्यादातर फीमेल्स के ही आते हैं।
तो खुशी होती है. अपने मुंह से क्या तारीफ. तो क्या रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है? रिलेशनशिप स्टेटस हम अगली बार इसके अगला क्वेश्चन. सिंगल है या रिलेशनशिप है? दो ऑप्शन है आपके पास, जवाब दे. मैंने आपके दो सवाल के जवाब दिए हैं, बिल्कुल ठीक. मैं लास्ट टाइम जब शो पे आया था तब भी सिंगल था और अभी भी सिंगल. अभी भी सिंगल, प्योरली सिंगल, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ. ये मुझे कन्विक्शन ही अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर देख के क्यों बोल रहा है? सिंगल हूँ मैं. आपको मेरी आंखों में देख के बोलो फिर. आंखों मैं बस सही सच बता रहा हूँ, सच्ची में मैं सिंगल. अच्छा चलो थोड़ा सा जो है इनका मूड चेंज करते हैं. मैं वैसे आप लोगों को पता है कि मैं सच तो निकलवा ही लेती हूँ. साथ साथ आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. बहुत आपको मैं कुछ ट्रेलर्स दिखाऊंगी, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज जो है वो रिलीज होने वाली है ऑन द 8th of June. सबसे अगेन और अनम अकील और विजय फरीद आज हमारे साथ मौजूद हैं. जैसे कि हम सबको पता है कि विजय फरीद आजकल जो है वो बड़ी ईदियां बांट रहे हैं और मैं इनसे आज ईदी लूंगी. आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जैसे आप लोगों से सवाल करते हैं और उनको ईदी देते हैं, लेकिन ईदी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी. आप सही जवाब दे दीजिए तो ठीक है. मुझसे सवाल किए जा रहे हैं और मैं ही ईदी दे रहा हूँ. और अगर आपने गलत जवाब दिए तो आपने डबल ईदी देनी है मुझे. अच्छा, अगर मैंने गलत जवाब दिया और सही जवाब दिया तो फिर ईदी देनी तो है ही. नहीं मतलब देनी तो है ही, गलत दिया फिर डबल दी. गलत जवाब दिए खुला तजाद, खुला तजाद, बिल्कुल ठीक है. ओके चलें जी. एक मरा हुआ इंसान मुझे खाता है बट अगर एक जिंदा इंसान मुझे खाए तो वो मर जाता है, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? हम चलेंगे अनम की तरफ. अनम दिमाग में गाए, एक मरा हुआ इंसान मुझे खाता है बट अगर एक जिंदा इंसान मुझे खाए तो वो मर जाता है. मरा हुआ इंसान खाता है, मरा हुआ इंसान तो खा ही नहीं सकता. बात ही हो गई ठीक है. अच्छा जिंदा जो जिंदा इंसान है वो नहीं खाता. नहीं नहीं खाएगा तो मर जाएगा. वो नहीं खाता. अगर एक जिंदा इंसान खाएगा तो मर जाएगा, मर जाता है. यस जिंदा इंसान जो है वो खाएगा तो मर जाएगा. हाँ, और मरा हुआ इंसान इसे खाता है? खाना नहीं, मरा हुआ इंसान तो खाना नहीं खाता ना. एक साइड सही हो गई. दुख खाता ठीक है. नहीं, दुख, नहीं. लेकिन जिंदा इंसान तो खाता है खाना. हाय जितने जिंदा इंसान दुख खाते हैं, खाएगा दुख तो मर जाएगा ना. और क्या दुख? नहीं नहीं, दुख खा के भी जिंदा रहते हैं. यार ये बड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ. मैं सबसे सवाल पूछता हूं, मुझसे सवाल. अच्छा जी यार ये बताओ, आसान है या मुश्किल है? आसान है, बहुत आसान है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. कोई हिंट? हिंट तो मैं भी देता हूं. एक जिंदा इंसान अगर क्या खाएगा तो वो मर जाएगा. क्या खाएगा? पॉइजन. मरा हुआ इंसान जहर तो खाता ही नहीं है. मरा हुआ इंसान कुछ नहीं खाता इसलिए मर जाएगा. अगर जिंदा इंसान कुछ नहीं खाता, सही है, नहीं खाता. एग्जैक्टली. ओके मैंने सारा जवाब तो बता दिया. नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं इज द आंसर. ओके, टू मैन प्ले फाइव गेम्स ऑफ चेस. फाइव गेम्स ऑफ चेस. टू मैन प्ले फाइव गेम्स ऑफ चेस. देयर आर नो टाइज एंड ईच मैन विंस द सेम नंबर ऑफ गेम्स. How is this possible? There are no ties. और दोनों मतलब same number of games. Same number of games जीते दोनों. Are they playing with each other, right? फरीज. ओके, आपकी वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपसे ज्यादा दूसरे यूज करते हैं अनम? हमारी चीज होती है. आपकी एक ऐसी चीज है जो आपसे ज्यादा दूसरे यूज करते हैं? हमारी चीज हमारी होती है जी. चीज हमारी है. क्या थोड़ी हिंट दे दें? सोचे नहीं समझ में. आपकी वो कौन सी चीज है जो दूसरे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मेरी नजर. मेरा नाम. मैंने हिंट दे दिया था, हिंट दे दिया. इतना बोला मैंने, फौरन अनम बोला. फौरन अनम. ओके, तीन बिल्लियां तीन चूहों को 3 मिनट में खाती हैं, 100 बिल्लियां 100 चूहों को कितनी देर में खाएंगी? क्या? 3 बिल्लियां. वेरी गुड क्वेश्चन. तीन बिल्लियां. हाँ, मैं बताती हूँ. बताओ. 3 मिनट में. वाह क्या बात है. जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई मेरी आधी उम्र का था. अब मैं 50 साल का हूँ. मेरा भाई कितने साल का है? 25 साल का. नहीं, जब मैं क्या था? नहीं, याद है, मुझे लग रहा है मुझे आता है. जब मुझे लग रहा है मुझे आता है. जब मैं मिलना कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट चेक करें आप. मुझे अच्छा उम्मीद दी, मैं जवाब दिया. इट्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन, सेंस ऑफ आंसरिंग द राइट. जब मैं 9 साल का था. चलो मैं थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी बढ़ा देती हूँ. अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको पिज्जा पॉइंट की तरफ से हम वाउचर देंगे. ठीक है, दिल लगा के खेल ले. फरीद आपको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा. मुझे कुछ नहीं मिलेगा. आपने ईदी देनी है आज मुझे. ठीक है. जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई मेरी आधी उम्र का था. मैं 50 साल का हूँ. मेरे भाई की उम्र 49. वाओ, बड़े स्वैग के साथ. पता है कैसे मैंने जवाब दिया? की तरफ से आपको हम वाउचर देंगे शो के आखिर में. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम आप अपने भाई के पीछे खड़े हैं और वो आपके? क्या आपके? क्या आपके पीछे ना?
मतलब भाई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मैं भाई के पीछे खड़ा हूँ, कैसा हो सकता है? Very intelligent question. Very. I must say. Quite much. जी. और बताएं क्या हाल है, कैसे? ठीक. आप सही कहाँ थी मुझे? यार बस पे रमजान. कॉल्स कर रहा था. Excuse me. जवाब चाहिए मुझे. मैं टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ. अच्छा. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम आपने भाई के पीछे खड़े हैं? भाई से फोन पे बात कर रहे हैं हम, फोन पे ना भाई, तो पता नहीं कहाँ खड़ा है, फोन के पीछे खड़े हैं, फोन के पीछे खड़ा हुआ है, जहाँ भी खड़ा हुआ है मुझे क्या तो क्या हम होगा जवाब? नहीं, हम भाई के पीछे खड़े हैं और भाई हमारे पीछे खड़ा हुआ है. हाँ, पिज्जा पॉइंट का वाउचर मिलेगा आपको जवाब. मुझे मिलेगा भाई जो है उल्टा खड़ा हुआ है, भाई का मुंह उस तरफ है, मेरा मुंह उस तरफ है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं. मतलब भाई उधर देख रहा है, मैं उधर देख रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे खड़े. वाह 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 वाह, क्या बात है. पिज़्ज़ा पॉइंट, इतना आसान जवाब है इसका. बिल्कुल, पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर जो है वो आपका हुआ. बहुत अच्छा खेले आप फरीद, बहुत अच्छा खेले आप. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर जीतूंगा, आगे चला जाऊंगा, लेकिन आ गया आज. आ गया, मतलब ये मेहनत और सबर का नतीजा है ना. मेहनत और सबर इंसान को करते रहनी चाहिए. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप ARY न्यूज के साथ एक शो कर रहे हैं, सनम के शो में आपका सेगमेंट चलता है, राइट, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा मजा आ रहा है आपको, या कुछ नया लग रहा है, या कह रहे हैं कहाँ फंस गया मैं, तो पैर में जाना पड़ा. मैं ब्रेक में भी यही बात कर रहा था कि आई वाज वर्किंग फॉर ARY म्यूजिक और डिजिटल पे भी काम किया मैंने, जिंदगी पे भी काम किया. न्यूज का एक्सपीरियंस अब नया, न्यूज का एक्सपीरियंस, एक तो रिपोर्टर वाली फीलिंग आती है क्योंकि आउटडोर. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरीद तारिक. अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में ब्रेक लेनी है अभी. ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल, कुछ हंगामी हालात हो गए और हमें ब्रेक लेनी. खवातीन और हज़रात, अभी इस वक्त हमारे साथ मजा नहीं आ रहा. दो सनसनी शुरू भी नहीं किया अभी तो सनसनी. अच्छा, सनसनी. हज़रत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसे सेट पे, जहाँ पे दो औरतें लड़कियां बैठी हुई हैं और जिन्होंने काले रंग के जोड़े पहने हुए हैं और मुझे जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन हम आएंगे वापस छोटे से ब्रेक के बाद और आपको बता चलूंगा कि ये लड़कियां जो है यहाँ पे कितना मजेदार सेगमेंट अगला जो होगा वो करने जा रही है. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. कीप वॉचिंग ब्रेकिंग वीकेंड. अब मैं ब्रेक करूंगी ब्रेकिंग वीकेंड, वो ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में. एक मिनट जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाएगा, थोड़ी देर में हम वापस आ रहे हैं क्योंकि फरीद को कुछ जरूरी काम आ गया. फरीद के घर से फोन आ रहा है, फरीद आज दही लाना भूल गए थे अपने घर पे, तो फरीद की अम्मी बोल रही है कि तुम दही क्यों नहीं लाए, अभी अभी आओ. तो अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं है, फोन करें और बोले कि ऐसा है ही कुछ नहीं, मेरे घर पे दही पहुंचा. ब्रेक के बाद Once again, और अब मुझे फरीद से ये पूछना है कि मेरी ईदी का है. बहुत हो गया यार वैसे, वाकई एक घंटे बोल रही हो बेचारी. कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके रमजान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं. आप, आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए वैसे. मेरा दिल बहुत बड़ा है, पता है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कार्ड में, मैं इनके पास स्वाइप मशीन नहीं है वरना मैं दे रहता. अच्छा ठीक है, मैं फिर शो के बाद जो है हम लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जब मुझे ईदी देंगे तो फिर मैं इनको, आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशियाँ जो है वो शेयर करनी चाहिए. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ईद के बाद के क्या प्लान्स है? ज्यादातर हम सुन रहे होते हैं कि सब जो है वो वोकेशन पर जा रहे होते हैं. फरीद, आप कहाँ जा रहे हैं?